तो गाइस अभी शाम का वक्त है और मैं यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं शॉप में, तो बस दो तीन चीज लेने के लिए आए हुए हैं। तो आज बनाने वाले हैं हम लोग लिट्टी एंड चोखा, तो उसके लिए बस सत्तू और अचार लेने आया। अचार नहीं था तो अभी जा रहे थे, तो मैं बोली मैं भी चलती हूँ ना, ऐसे ही शाम में थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो मैं भी चली गई। तो बस सत्तू ली हूँ एंड अचार ली हूँ और आइसक्रीम का एक डब्बा ली हूँ और चॉकलेट थोड़ा बहुत चॉकलेट ली हूँ, क्योंकि और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं लेना था। और जैसी थी वैसी मैं आ गई हूँ, ताकि मैं रिलेट करूँ, मेरे भी अभी चले जाएंगे। तो सो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधे घर पे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो गाइज अभी बज रहा है रात का 8:30, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो खिड़की की तरफ से, रात हो चुका है। और आज है सैटरडे और अभी मैं बनाने वाली हूँ, मैं और मेरे अभी दोनों मिलकर बनाने वाले हैं लिट्टी एंड चोखा। तो बारिश में किसको किसको पसंद है लिट्टी चोखा खाना? अब वैसे बहुत दिनों बाद में हम लोग लिट्टी चोखा बना रहे हैं, तो मैं सोची थी आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मतलब लिट्टी चोखा का भी रेसिपी है गाइस बहुत ही टाइप का, कि लिट्टी आपका कैसा सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट बनेगा, मतलब सुबह तक भी रखोगे ना तो सॉफ्ट बनेगा। तो बट एक चीज़ में मुझसे मिस्टेक हो गया क्या, कि मैं जब मैं आटा गूंथ रही थी तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मेन रोल था। तो मैं आप लोगों को क्या बताई थी, तो यस गाइस सबसे मेन रोल पता है क्या, आटा को गूंथने में है, क्या पहले कि कैसे सॉफ्ट बनेगा। तो मैं आप लोगों को उस टाइम दिखाई नहीं, क्योंकि मैं ना आटा ना गूंथते जा रही थी एंड अभी देते जा रहे थे मेरे को कि ये चीज़ डालना है, तो मैं फिर वीडियो बनाने का मेरे माइंड में ही नहीं आया कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो यस गाइस जब भी आप आटा गूंथना, आप 1 kg आटा लियो, ठीक है, उसमें 250 ग्राम आप स्प्राइट डाल दो एंड उसमें 50 ग्राम आप घी डाल दो। फिर से आप उसमें ना कच्चा दूध से ही पूरा आटा को सानना, उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चुटकी भर आप मीठा सोडा डाल दो, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, और जवाइन मंगल जो आप लोग डालते हो नमक वगैरह वो सब तो आप लोग डालो, लेकिन हाँ रिफाइंड नहीं डालना है यहाँ पे। तो बस उसके बाद आप आटा को जितना मतलब पूरा गीला भी नहीं सानना, पूरा टाइट भी नहीं सानना, नॉर्मल सानना है, और उसको आप अच्छे से सान लो, ठीक है, एंड उसको आप अच्छे से रख दो। उसके बाद आप जाओ सत्तू बनाने के लिए। फाइनली मेरा तो सत्तू, तो यहाँ पे मेरा सत्तू बन चुका है गाइस, और यहाँ पे कोयला को जलाया जा रहा है, इसी में बनेगा, क्योंकि जो तराड़ी था ना हम लोगों का, हम लोग बहुत पहले बनाते थे, बहुत दिनों बाद हम लोग बना रहे, पता नहीं तराड़ी कहाँ रखा गया, कड़ाड़ी की तराड़ी जो भी होता है, बहुत पसीना आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने बाल को यहाँ बांध लिया, बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा है मेरे बाबू को देखा। तो यहाँ पे कोयला पे हम लोग लिट्टी बनाने वाले हैं, वैसे गैस पे भी बना सकते हैं बट गैस वाला उतना टेस्ट नहीं लगता है गैस, जितना ज़्यादा जितना टेस्टी है वो कोयला का लगेगा। तो बस तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आगे, और मुझे बहुत अफसोस लग रहा था कि मैंने आप लोगों को दिखाया क्यों नहीं, बट आप लोग प्लीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो जो चीज़ आप लोग वो चीज़ डाल के बनाना, आपका लिट्टी बहुत सॉफ्ट बनेगा, सो बहुत सॉफ्ट। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज मैं यहाँ पे लिट्टी कर रही हूँ, तो अभी वहाँ बाहर ना कोयला लगा रहे हैं, तो बोले तुम जल्दी जल्दी लिट्टी कर दो, तो अंदर में नहीं करते क्योंकि धुआं धुआं हो जाएगा, फिर बाबू है इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस हम लोग जहाँ पर बालकोनी जहाँ पे हम लोगों ने प्लांट रखा है ना, तो उधर हम लोग सोचे चलो उधर ही लिट्टी बनाएंगे, इधर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जहाँ पर किचन मैसी है, जहाँ पर आप मैसी है वहीं पर आप और मैसी कर लो, कि ताकि एक बार में क्लीन हो जाए। अब मुझे लग रहा था फिर मैं वहाँ पर जाके करूँगी ना, तो सब सत्तू सब जगह गिरेगा, और बाबू भी मेरे साथ ऐसे बैठ के यही सब करती है, सो जितना देर मैं बनाऊंगी उतना देर तक वहीं पे बैठी रहेगी, वहीं पे छूते रहेगी, और नहीं हाथ पे मेरा लिट्टी गिर चुका है गाइस। और यहाँ पे देखिए कोयला, कोयला में सारा टमाटर एंड बैगन को पका रहे हैं अभी, तो चलिए मैं बैगन का चोखा मैं बना दूंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने लिट्टी को पका लेंगे। तो बाबू बार बार परेशान कर रही थी, तो गाइस ये लड़की जो है ना लिट्टी नहीं बनाने दे रही है, कुछ नहीं करने दे रही है गाइस, और यहाँ पे आग रखा हुआ है, डर लग रहा है कि छू ना दे। चलो मामा को किसी कर देते पहले, अरे वाह लड़ाई कितना प्यार कर रही है ना, ऐसे प्यार करती है तुम ऑफ कैमरा, इसको भी समझ में आता है कि ऑन कैमरा प्यार ऐसे किया जाता है, ये देखो। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चोखा,
बैगन और टमाटर का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बैगन और टमाटर का चोखा, खास करके लिट्टी चोखा में। एंड कौन कौन खाना बनाते हुए खतरों के खिलाड़ी देखता है, मैं यही करती हूँ गाइज। मैंने टीवी मेरे घर है बट वो लगता है खाली डब्बा है, मैं उसमें टीवी में कुछ देखती उगती नहीं हूँ, मुझे जब भी देखना रहता है मोबाइल पे ही देखती हूँ। खतरों के खिलाड़ी तो मेरा फेवरेट है, मैं देखती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ, खाती हूँ जब भी कुछ भी करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ और खासतौर पर सिर्फ मोबाइल में देखती रहती हूँ। मेरा सब कुछ बन चुका है गाइज, तो आ जाइए कम फास्ट लिट्टी चोखा खाने के लिए। तो इसके मुँह में पानी आ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ, सोची चलो आज पानी डाल दिया जाए, क्योंकि नीचे ना ऑफिस है तो संडे को ना बंद रहता है, तो इसलिए शाम में रात में ही पानी ज़्यादा करके डालते हैं ताकि नीचे पानी गिरे भी ना। तो ये देखो नीचे पानी गिर रहा है ना, नीचे पानी, अरे यहाँ मेरा चार्जर, नीचे पानी गिरे भी तो कोई दिक्कत नहीं है इसी कारण। तो बस आज बंद था, सोचा चलो आज सुबह सुबह पानी पटा दिया जाए, बहुत सुंदर लगता है ना पानी, तो पानी पटाने के बाद मतलब लगता है कि यस बहुत हरा हरा सा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या बनाया जाए, क्योंकि रोज का तो वही है, रोज बनाना ही है आपको, सुबह शाम दोपहर सुबह शाम दोपहर। और गाइस मंडे, तो कल मैं जाने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर एक शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ बहुत बड़े से शिवलिंग है, तो बस मैं कल का वेट कर रही हूँ, कल कब आए, मंडे आए तो मैं कल जाऊँ, बहुत ही सुंदर है, ऐसे आज भी जा सकती हूँ बट कल जाऊँगी। सो चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। A few moments later. तो बोला था कि सुबह मैं बात करूंगी आप लोगों से नहाने के बाद, मैंने आप लोगों से बात ही नहीं किया। नहाने के बाद थोड़ा सा मैं चली गई थी डॉक्टर के पास बाबू को सुई दिलवाने के लिए, इसलिए वहाँ का मैंने वीडियो नहीं लिया। तो उसके बाद आके ना हम लोग खाना खा के सो गए थे, तो इसलिए वीडियो भी मैंने नहीं बनाया, और बहुत अच्छा मौसम भी किया हुआ है। और पता है मैं आई थी यहाँ पे कपड़ा लेने के लिए, बट मैं सोची चलो मैं रील्स बना लेती हूँ, और रील्स के चक्कर में ना मतलब बारिश भी होने लगा, मुझे लगा कि बारिश नहीं होगा तब तक मैं वीडियो बना मतलब आप लोग से बातें कर लूँ, वीडियो तो मैंने बना लिया बट मुझे भींगा नहीं अभी काश ये बारिश कल हो जाए, क्योंकि अभी तो शाम का वक्त हो गया है, शाम का 5:30 बज रहा है गाइस, इसलिए अभी भी नहीं। और पता है आजकल ना धूप भी बहुत कम निकल रहा है, इसकी वजह से मुझे छत पे आना पड़ रहा है कपड़ा डालने के लिए, वरना मैं नीचे ही सारा कपड़ा मतलब मैं यहाँ पे डाल देती थी। और पता है अभी क्या हो जा रहा है, अभी मेरा वाशिंग मशीन ख़राब है गाइस, तो वाशिंग मशीन ख़राब है ना तो मुझे सारा कपड़ा ना हाथ से ही धोना पड़ जा रहा है, तो हाथ से धोने से क्या होता है ना कि सारा पानी नीचे मतलब गड़ता नहीं है, तो उसको ना मतलब इसलिए मैं छत पे डाल दी थी कि अच्छे से धूप लग जाए, वरना वाशिंग मशीन में जब धोती थी ना तो उसको मैं सुखा लेती थी, उसके बाद अपने बालकोनी में डालती थी। एंड ये देखो गाइस मैंने मंगवाया था ये फ्रॉक मीशो से, बहुत ही सुंदर आया है। एंड आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा मेरे छत के बैकग्राउंड को देख के, क्योंकि पीछे ना काम चल रहा था छत पे, तो अभी काम बंद है इसलिए भी छत थोड़ा मैशी है। तो बहुत ही सुंदर ये कपड़ा है गाइस, जॉर्जेट का कपड़ा है, फैब्रिक है, और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग वर्क आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, और इसका बहुत सारा कलर है, अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग मुझे बताना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। एंड ये देखो गाइस कितना खूबसूरत लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है पेड़ देखने में। अभी पता है मैं सोई हुई थी, तो फिर मेड आई ना कहाँ, तो शाम में वो आती है ना सुबह शाम, तो वो आई तब मैं उठी, तो बोली दीदी अभी तक आप सोई हुई हैं, बोले नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे, तो आधा एक घंटा हुआ ही था, तो सोचा चलो छत पे चलते हैं कपड़ा लेके आते हैं। तब तक छत पे आए तो देख रहे कि बारिश मतलब बारिश वाला मौसम क्या बूंद बूंद मतलब टपक रहा है, अभी तक तो फिलहाल हुआ नहीं है,
तो बस आज का व्लॉग भी मैंने नहीं बनाया, कंटिन्यू नहीं रखा। सोचा था कंटिन्यू रखूँगी बट आजकल ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब व्लॉग बनाने के लिए सोच रहे बट व्लॉग बन नहीं पा रहा है मेरा, मतलब रह ही जा रहा है। तो बहुत अच्छा मौसम किया है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। और चलिए बारिश अभी फ़िलहाल उतना आने वाला नहीं है, तेज़ तेज़ थोड़ा बहुत बारिश आया, मतलब थोड़ा बहुत टपक रहा है। तो चलते हैं। तो ये देखिए कपड़ा है, साथ साथ मेरा ट्राईपोर्ट भी है, बट ट्राईपोर्ट लेके आई थी बट ट्राईपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा। ये जो है ना गाइस, ये देखिए पूरा दिन आज फिल्म देखा है, 3 घंटा का पूरा फिल्म होता है, 3 घंटा का फिल्म देखा। और कौन मूवी देख रहे हो, कौन सा मूवी देख रहे हो पहले बताओ। इक्वलाइजर। मेरे दिमाग से बाहर है, मुझे मालूम नहीं। इक्वलाइजर। एंड ये देखो, ये देखो, आप तो किसका ये देखो, पता नहीं हीरो हीरो का तो पता ही नहीं चलता। एंड बाबू को देखो, एक सेकेंड। चलो, तो ये शाम होता है तो यहाँ पे आके यहाँ पे खड़ी हो जाती है। देखिए अभी है ना ऐसे खड़ी होने लगी, इसलिए मुझे डर। क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा, हाँ क्या कर रही है, क्या देख रही है इधर से। तो इसको छत पे नहीं लेके जाती क्योंकि छत पे कुछ जगह ही नहीं है घूमने के लिए, सारा तरह सामान ही रखा हुआ है, इसी कारण मैं इसको थोड़ा सा बाहर ही यहाँ पे खड़ी कर देती हूँ ताकि इसका भी मूड फ्रेश हो जाए। क्या कर रही है बेटा, गंदी बात, गंदी बात। तो यहाँ पे रोड देखते रहती है। तो बस चलो सबको फ्लाइंग किस कर दो। तो चलिए गाइस आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारा सा व्लॉग में। एंड आज का ये वीडियो मैं यहीं पिन करती हूँ, आई होप आप लोगों को ये मैं छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।